हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक DSLR कैमरे का बैटरी रिपेयर करेंगे। आपके सामने ये जो बैटरी रखा हुआ है, ये एक DSLR कैमरे का बैटरी है और ये हाथ से गिनने के बाद एक ख़राब हो चुका है, यानी कि काम नहीं कर रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा है और ये हमें बैकअप भी नहीं मिल रहा है और कैमरा भी ओपन नहीं हो रहा है इस बैटरी के ज़रिए। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे और ये ठीक करने का लायक है कि नहीं, तो मैं बता दूं कि ये बैटरी पहले से ही चल रहा था लेकिन हाथ से गिनने के बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमारा बैटरी है ये 7.4 वोल्ट का है और ये 6600 mAh का है। तो चलिए हम खोलेंगे, और खोलने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि इस बैटरी के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो किस प्रकार की सेल है, लिथियम आयन है या लिथियम पॉलीमर। ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन का है, इसलिए इसके अंदर बैटरी का सेल लगा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हम इस बैटरी को भी ओपन करेंगे। और ओपन करने से पहले अब सभी चीज़ को ध्यान में रखना होगा। मेरे हाथ में जो ओपनर देख रहे होंगे ये मेटल का है, इसलिए आपको ध्यान से इसको प्रेस करना होगा ताकि अगर बॉडी चोट लग जाए बॉडी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे बैटरी सेल के अंदर कुछ हो जाए तो ये आग लग सकती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से इससे ऊपर का जो हिस्सा है उसको निकाल लेना होगा, और निकाल लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेल दिखेंगे और जिसके ऊपर लिथियम पॉलीमर लिखा रहता है उसके अंदर इस तरह की सेल नहीं रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये लिथियम आयन का है इसलिए इस तरह की सेल लगा हुआ है। तो अच्छे से खोलने के बाद आपको धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे फोर्स करके आपको सारे जो सेल है बाहर निकलना होगा, और जैसे ही निकल जाएंगे आपको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो सेल है वो सही सलामत है कि नहीं। तो जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकल आया, मैं हाथों से इसको बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से, और बैटरी के दोनों साइड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, और लगाने के बाद आपको मतलब बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको बैटरी के अंदर कहीं पे भी चोट तो नहीं आया है, ये आपको देखना होगा। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये जो बैटरी है ये हाथ से गिर गया था और गिरने के बाद ही ये काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो सर्किट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या इसका जो बैटरी का कनेक्शन है ये सीरीज या पैरेलल में जो भी लगा हुआ है उसका भी कनेक्शन टूट सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले सारे कनेक्शंस को चेक करना होगा, कहीं पे भी अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया है तो वो कनेक्शन को आपको जुड़ना होगा। जैसे कि मैं इसको अच्छे से चेक कर रहा हूँ सारे तरफ, अभी जो यहाँ पर PCB देख रहे होंगे, ये जो हमारा PCB है इन बोर्ड को यानी कि इस बैटरी को चार्ज करने में और कैमरे में पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको जूम करके मैं इसको दिखा रहा हूँ, मल्टीमीटर को यहाँ पे रखा, और मल्टीमीटर से मैं आपको इसका वोल्टेज सबसे पहले चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मुझे कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा था इसकी आउटपुट में, लेकिन अब चेक करके देखने से शायद आ सकता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरे मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पे सेट करके रखा हूँ, और देखिए अभी इसका जो आउटपुट है मुझे मिल रहा है लगभग 7.1 वोल्ट। देखिए 7.1 वोल्ट मिल रहा है, और हमारा ये बैटरी है ये 7.4 वोल्ट का है, और ये बैटरी बहुत दिन से चार्ज नहीं है, मतलब गिनने के बाद ये 5-6 दिन से चार्ज नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज कम हो चुका है। तो चलिए अभी तो यहाँ पे वोल्टेज सही दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको अंदर चेक किया था यानी कि खोलने से पहले ही चेक किया था तब ये वोल्टेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी जो वोल्टेज दिखाई दे रहा है देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको चेक किया तो पीछे की साइड आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, मतलब खोलने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर जो एक कनेक्शन था यानी कि वेल्डिंग किया हुआ था, ये वेल्डिंग टूट चुका है, कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, तो इसको हमें जोड़ना होगा। देखिए इसके वजह से ही हमारे कैमरा भी ओपन नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था, और ये बैटरी चार्ज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको चार्ज में जब लगा के देखा तो ये चार्ज नहीं हो रहा था।
तो इसी के कारण के वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मेजर करने से मिल रहा था। तो सबसे पहले हमें काम यही होगा कि जो भी कनेक्शन ब्रेक हुआ है उसको फिर से वहीं पे जोड़ देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे पास बैटरी वेल्डिंग मशीन नहीं है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी वेल्डिंग मशीन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूँगा, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग चलता है। अगर सोल्डरिंग करना है तो सबसे पहले आपका ये सरफेस जो है इसको क्लीन करना होगा, नहीं तो सोल्डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, मतलब ये अच्छे से लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस तरीके से कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए और हम अच्छे से सोल्डरिंग कर पाए। तो जैसे ही क्लीन हो जाएंगे आपके, सबसे पहले पेस्ट लगाना होगा, सोल्डरिंग पेस्ट। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट को लगा देता हूँ। और अगर इस सोल्डरिंग पेस्ट को आप ख़रीदना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। उसके बाद ये जो सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन को आपको 200 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके रखना होगा, तभी हमारा बैटरी का कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये कैमरे का बैटरी है, DSLR का बैटरी है। और देखिए अच्छे से यहाँ इस तरीके से, मतलब पहले 2-3 बार नहीं होगा, और अच्छे से हीट होने के बाद ही आप ये सोल्डरिंग करने का ट्राई कीजिए। देख सकते हो अभी कितने अच्छे से ये सोल्डर हो चुका है। तो धीरे धीरे हम नीचे साइड, यानी कि जो दूसरा पोर्ट है वहाँ पे भी हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही हो जाएंगे तो आपको 20 से 30 सेकेंड ऐसे ही रखने होंगे। और अभी देख सकते हो हमारा जो सोल्डरिंग है ये परफेक्ट हो चुका है और कनेक्शन भी हो चुका है। तो जब मैंने इसको बैटरी को खोलने से पहले मैंने चार्ज में दिया था तो कोई भी एम्पियर नहीं दिखा रहा था, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा बैटरी चार्ज होता है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको खोला, खोलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो चुका है हाथ से गिनने के बाद। तो चलिए एक बार फिर आपको इसका जो वोल्टेज है मेजर करके दिखा देता हूँ कि हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये ख़राब बैटरी है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो अभी 7.08 यानी कि कम होते जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये बहुत दिन से चार्ज नहीं है, और ये बिल्कुल एकदम डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज तो नहीं हो रहा था लेकिन डिस्चार्ज भी हो गया था, जिसकी वजह से हमें अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब जितना वोल्टेज मिलना चाहिए था वो उतने वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम इस बैटरी को चार्ज में देंगे, और इसको चार्ज करने के लिए मैंने 7.6 वोल्ट यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। अब चलिए, और जब भी इसका चार्ज होंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा जो बैटरी है ये बिल्कुल सही से चार्ज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है, और नीचे ये बैटरी कितने वाट का है वो भी आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो ये पावर सप्लाई है ये 3 डिजिट का और 3 डिस्प्ले वाला है। एक में आपको दिखाएगा वोल्टेज, दूसरे में आपको दिखाएगा एम्पियर, एंड तीसरे में आपको दिखाएगा वाट यानी कि पावर। तो ये जो बैटरी है हमारा देख सकते हो 11.3 यानी कि 12 वाट का ये हमारा बैटरी है, और इसका भी चार्जिंग एम्पियर है वो 1.49 ये एम्पियर ले रहा है। तो हमारा जो बैटरी है ये बिल्कुल सही सलामत रिपेयर हो चुका है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे रिपेयरिंग का वीडियो मैंने पहले से ही डाल के रखा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ रिपेयरिंग सीखने को मिलेगा। वो सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मैंने एक एक चीज़ के ऊपर रिपेयरिंग का सारे प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, चाहे वो टीवी रिपेयरिंग हो, चाहे वो LCD LED रिपेयरिंग हो, चाहे वे कुछ भी रिपेयरिंग का वीडियो है, वो सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। वो सारे वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिंसिपल कैसा है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से काम करता है, और रिपेयरिंग का जो फील्ड होता है उस फील्ड में आप कितने ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहते हो, या आप पहले से ही घुस चुके हैं रिपेयरिंग फील्ड में लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब भी वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज आपको इन सारे रिपेयरिंग वीडियोस के आपको अंदर मिल जाएंगे। तो आपने बहुत सारे वीडियोस नहीं दिखाए तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे,
जैसे कि सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, इन सारे वीडियोस बहुत ही जल्द मिलने वाला है और 3D प्रिंटर के ऊपर भी मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।